सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे हैं, अपने घर में स्वस्थ है। तो मैं भी ठीक हूँ, मैं हूँ आपकी दोस्त रूम्पा। तो आज मैं आई हूँ आपको जो है स्कूल डेज का कुछ स्टोरीज जो है वो शेयर करने के लिए। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ, तो आपको पता ही है जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि मैं अपने जो है लाइफ का स्टोरीज़ जो है कुछ कुछ शेयर करती हूँ, और कुछ कुछ घर में जो भी काम करती हूँ तो वो सब कुछ शेयर करती हूँ, सारा दिन क्या कर रही हूँ। सो आज का जो स्टोरीज है वो है स्कूल डेज के ऊपर। स्कूल में क्या हुआ था, एक बार तब मैं क्लास 8 पे पढ़ रही थी, तो रिज़ल्ट का जो दिन आया, रिज़ल्ट का दिन मैं स्कूल गई, तो पास तो कर गई, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो बोला कि क्यों नहीं, तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर का जो है फ़ीस आपका बाकी है। तो क्लास 6 से हम लोगों का जो है कंप्यूटर जो है स्कूल में स्टार्ट हो गया था, और स्कूल फ़ीस के अलावा कंप्यूटर फ़ीस जो है 35 रुपीज़ या फिर 40 रुपीज़ करके महीने में देना पड़ता था हर महीना। तो साल का कुछ बनता था 300-400, कुछ जो भी बनता था, तो वो मैं नहीं दे पा रही थी, अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। कुछ महीना दिया, फिर इसके बाद जो है बाकी रहेगा, तो उसके बाद रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मेरा क्लास टीचर ने बोला कि तुमको रिज़ल्ट मिला, तो मैंने कहा कि नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे पैसा दिया कुछ महीने का, पूरा नहीं कुछ महीने का दिया, ऐसे 3-4 महीने का कुछ दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वाला तुम कंप्यूटर टीचर के पास जाके दो और बोलो कि रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट देने के लिए। तो मैंने कहा कि मैम ने कहा कि रिज़ल्ट देने के लिए, तो उन्होंने लिया वो वाला, फीस एक्सेप्ट किया, उसके बाद मुझे रिज़ल्ट जो है वो मिल गया। तो उसके बाद जो है मेरा जो है मम्मी जुगाड़ करके जो है उनका मैम का जो फीस जो है वो मैंने दे दिया था, उन्होंने इनकार नहीं किया था, उन्होंने ले लिया था। तो उनका जो है बहुत ही बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि मेरा रिज़ल्ट जो है मुझे मिल गया था उस दिन, नहीं तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलती। और बहुत बहुत सपोर्ट मिला था मुझे स्कूल से, लाइब्रेरी से भी बहुत सारा बुक्स मुझे मिला था पढ़ने के लिए, और इसके अलावा जो है बहुत बहुत सारे अच्छा जो है स्टोरीज़ जो है स्कूल डेज के साथ जुड़ा है। अगर जो गार्जियन कॉल जो होता था, गार्जियन कॉल तो नहीं होता था, गार्जियन मीटिंग्स होता था, तो मम्मी जाते थे तो सब कोई टीचर आके बोलते थे कि ये पढ़ाई में अच्छा है, इनको कभी मतलब नेगलेक्ट मत कीजिएगा, पढ़ाइएगा, पढ़िए, अभी थोड़ा सा मतलब चंचल हो जा रहा है, देखिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तब मैं 6 में पढ़ती थी, ऐसे लैपटॉप तो कुछ नहीं, किसी के को कुछ भी नहीं था, पर होता है कभी कभी मतलब जो है नेगलेक्ट जो है करती थी पढ़ाई को, पढ़ती थी अच्छा था, पर स्कोर अगर कम आता था तो गार्जियन मीटिंग जो है, गार्जियन मीटिंग में ऐसे कुछ कंप्लेंट्स भी आते थे। सो बहुत अच्छा लगता था जब मैं क्लास में अगर किसी भी सब्जेक्ट पे हाईएस्ट मार्क लाती थी, तो वो वाला दिन तो मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छा था, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। सिर्फ यही मतलब मेरे माथे पे चलता था कि कैसे मैं हाईएस्ट मार्क लाऊँ, कैसे हाईएस्ट मार्क लाऊँ, तो यही सारा जो है चलता था माथे पे।